तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। और बच्चों कैसे हो, केम छो, मजा मचो, मजे में ही रहने चाहिए। आप सब लोग ठीक तो है ना? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की फिक्र है। आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपकी गुरु माँ हूं, तो मैं आपकी चिंता करूंगी ही, ये तो फॉर श्योर है। गुरु भी हूं और माँ भी हूं, तो माँ बच्चों का तो देखती ही है, ख्याल रखती ही है और देखती है कि वो सेफ है कि नहीं। फ्रेंड्स मेरे पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, स्किप मत किया कीजिए, जल्दी जल्दी आगे मत बढ़ाया कीजिए वरना कोई पॉइंट आपसे रह जाएगा, ठीक है। और ब्लैक मैजिक के मैं उपाय भी बताती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी मैं करती हूँ। आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो आप अपनी पर्सनल हीलिंग कराइए, अगर आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो आपके पर्सन के सातों चक्रा इनएक्टिवेट हो सकते हैं और वो धोखाधड़ी और चीटिंग और थर्ड पार्टी के पास जाना यही एक रीज़न है कि उनके सातों चक्रा इनएक्टिवेट है। तो आपको क्या करना है, आपको पर्सनल हीलिंग करानी है मुझसे, उनके चक्रा एक्टिवेट कराने हैं, उनकी लविंग केयरिंग एनर्जी जो आपसे पहले प्यार करते थे, आपकी चिंता करते थे, उस चीज़ में वापस लाना है, क्योंकि यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि हीलिंग कराएं अपने पर्सन की, तो आप हीलिंग कराएं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मैंने कम कर दिए हैं, बुकिंग कराएं, पेमेंट कर देंगे, बुकिंग कर देंगे, और अगर मैं फ्री होंगी तो मैं उसी टाइम आपकी रीडिंग कर दूंगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। तो बुकिंग कराएं, पेमेंट करें। टैरो कार्ड रीडिंग के बेसिक कोर्स मैं करवाती हूँ, वो आप अगर करना चाहें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहें तो आप कर सकते हैं, और यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि हमने थर्ड पार्टी में इसीलिए आपको डाला था कि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। सेल्फ केयर और सेल्फ लव तो आपने सीख लिया है, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो रहे, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होना है अपन को, ठीक है। तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे थ्रू आप लोगों से, तो सावधान हो जाइए, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। पर्सनल काउंसलिंग मैं करती हूँ, आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, और पर्सनल कंसल्टेशन भी मैं करती हूँ, आप लोग मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पेड हैं, फ्री कुछ भी नहीं है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि मैम हमें आपसे बात करनी है, तो उसको पर्सनल काउंसलिंग कहते हैं, तो वो भी पेड होती है, पेमेंट से होती है, ठीक है बच्चों। कॉल मत किया कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज होता है मेरे वीडियो के ऊपर, उससे व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए। कमेंट में चार्जेस वगैरह मत पूछा करिए हीलिंग वीलिंग के, वो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज में किया कीजिए, ठीक है बच्चों। और जो लोग नए आए हैं ये वीडियो देखने, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन दबा दें, और जो मेरे बच्चे हैं 9K, जो 9.5K होने वाले हैं, पहले तो क्लैपिंग आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे इतना ग्रो करा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो सेकंड चैनल पे जा सकते हैं मेरे बच्चे, 9.5K जो होने वाले हैं हमारे, हम लोगों का फैमिली बढ़ने वाली है, बढ़ रही है धीरे धीरे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एनकरेज करने के लिए। बस जैसे आपने डिवाइन वंडर टैरो रीडिंग 108 ये चैनल को बढ़ाया है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ मेरा सेकंड चैनल यही सेटअप है। कैंडल वैक्स रीडिंग के 4-5 वीडियोज़ हैं, वो भी देख लीजिएगा, मैं आपको नाम बताती हूँ सेकंड चैनल का, एंजल सोल टैरो, ANGELSOULTAROT, एंजल सोल टैरो आप टाइप करेंगे, यही मेरे भगवान जी आ जाएंगे गन्नू महाराज। तो आप वीडियो भी देखिए और लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नतमस्तक, धन्यवाद। आज की वीडियो क्या है, मुझे पता है आप उत्सुक हैं आज की वीडियो गुरुमा क्या बताएंगी, तो गुरुमा आज बता रही हैं आपकी ही फरमाइश पे, आपकी ही पसंद के, आपके पर्सन नाइट में जब रात में सोते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों का बताऊंगी। टैरो कार्ड रीडर्स ज़्यादातर बताते हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रात में, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं रात को सोते वक्त, और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे डिवाइन गॉड्स मेरे बच्चों के लिए, कि क्या है उनके पार्टनर की रात की फीलिंग्स उनके लिए और थर्ड पार्टी के लिए।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपकी पर्सन। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और बटन, बेल बटन दबा दीजिए अभी से। आपको पता है मैं वीडियो इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाती हूँ, तो अभी से ही आप लाइक सब्सक्राइब और बटन, बेल बटन दबा दीजिए ये वाले वीडियो पे। थैंक यू, शुक्रिया। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, रात में सोते वक्त वो क्या सोचते हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स, मेरे बच्चों के लिए, और उस निकम्मी सी, बुरी सी, कलमुही सी थर्ड पार्टी के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ज्यादातर तो आपके ही कार्ड्स आ रहे हैं, तो आपकी ज्यादा रीडिंग होगी मेरे को ऐसा लगता है। दो दो कार्ड्स आ गए हैं, द मजिशियन आ गया, थर्ड पार्टी का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। सच में ये डेक मुझे बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल। पेज ऑफ वैंड्स, जेलस फील कर रहे हैं बहुत आप लोगों से आपकी पर्सन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जेलस फील कर रहे हैं आप लोगों से, बहुत बहुत जेलस फील कर रहे हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। द सन, जेलसी का फैक्टर बहुत आ रहा है बच्चों। द फूल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कितने जेलस हैं कि अपना ही सिर फोड़ने का उनका मन कर रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, मेरी व्यूअर्स, मेरी प्यारी प्यारी व्यूअर्स, इन्हीं कार्ड्स में काफी कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। जेलसी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की आपके लिए। वी आर द वर्ल्ड, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी एंजल्स। कंप्लीशन, थर्ड पार्टी के इतने कार्ड नहीं आए इसमें जितने आपके आए हैं। सौरो, लगता है रात को आप ही के बारे में सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के, और सारा दिन, सारी दोपहर, शाम सोच सोच के वो दिमाग खाली हो जाता है उनका, वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं रात को जब सोते हैं। रिसेप्टिविटी, काफी कम कार्ड आए हैं थर्ड पार्टी के, लगता है थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कम माइन्यूट सा सोचते हैं, बहुत कम। मोमेंट टू मोमेंट, पार्टिसिपेशन, द मास्टर, नथिंगनेस, मोरालिटी, इंटीग्रेशन। एंड ऑफ द डेक में है थंडरबोल्ट, देखते हैं और क्या सोचते हैं, देखिए। आहा, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार, ये है प्यार प्यार,
कब किससे हो जाए नहीं कुछ इसका एतबार। ये प्यार प्यार ये है प्यार प्यार, मैं बता रही हूं ना, जेलसी प्यार हेट्रेड सब कर रहे हैं आपसे। फ्रेंड्स मेरे को बहुत खांसी हो रही है, मुझे बताइएगा कि मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। गला भी दर्द हो रहा है। फाइनेंसेस एंड करियर, अट्रैक्शन, देखिए ये सारे कार्ड्स तो प्यार के आए हैं बहुत ज्यादा, ये सारे कार्ड जेलसी के आए हैं। ये देखिए तो मैं आपको बता देती हूँ राशियां। टॉरस वर्गो केप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरी सैजिटेरियस लियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। रेजोनेट जिनसे हो वो रख ले ये वाली रीडिंग, जिनसे ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दें और उनके लिए कोई और रीडिंग है। टाइमलेस है, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद जब भी देखेंगे और रेजोनेट होगी तो आप देख सकते हैं। जिनकी भी जिंदगी में थर्ड पार्टी है मेल फीमेल वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में रात को सोते वक्त या रातों को उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि रात को सच्ची फीलिंग्स होती हैं। इंसान एकांत में जब होता है तभी सोच पाता है सच्चाई। तो सच्चाई देखते हैं आपके और थर्ड पार्टी के बारे में, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। उनको लग रहा है कि आप में थंडर बोल्ट आ गया है। ठीक है, आप मूव ऑन कर गई हैं, आप टैरो कार्ड रीडर बन गई हैं या आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गिल्ट में है वो कि थर्ड पार्टी के पास क्यों गए, आपको खो रहे हैं वो। ये देखिए आप कितनी खुश हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का सोच रही हैं या बन रही हैं, या बहुत शांत हो गई हैं आप, मूव ऑन कर लिया आपने। देखिए कितनी खुश हैं आप कोई पढ़ाई कर रही हैं, कोई नॉलेज गेन कर रही हैं, या आप टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कर रही हैं, या कुछ तो कर रही हैं आप। कुछ एक महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप, लगता है सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई हैं, खुश हैं, एडवेंचर चाहती हैं और सब कुछ प्राप्त हो गया है आपको, खुशियां, मूव ऑन कर गई हैं। ठीक है, तो उनका सिर भन्ना रहा है, वो ऐसे थे पहले आपकी जिंदगी में बिल्कुल ही अकड़ू रूड, अब कुछ ऐसा हो गया है कि वो हो गए हैं। लगता है या तो उनको कोई बीमारी हो गई है बहुत बुरी, या थर्ड पार्टी ने बहुत ही धुतकार दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया है, पैसा ढीला नहीं है, क्या पता नहीं। तो आपकी खुशी देखकर जेलस हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं, सोच रहे हैं मैं क्या करूं, इसको कैसे बांध लूं, मतलब आप लोगों को काला जादू करने का वो भी सोच रहे हैं कि कैसे बांध लूं इसे अपने, कैसे घुमा के रखूं अपने में। कुछ एक लोग सोच रहे हैं, आपकी पर्सन सोच रहे हैं क्या पता आपने मूव ऑन कर लिया और क्या पता आप उस बंदे से प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। तो देखिए जेलसी कितनी है आपकी पर्सन में। सेल्फ इंडिपेंडेंस का काफी कार्ड आए हैं बच्चों, आपकी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, आप न्यू बिगनिंग हो गई है आपकी, मूव ऑन कर लिया है आपने। आपके पर्सन ये सब सोच रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप खुश रहने लग गए हैं, आपने विद्या हासिल कर ली है, आप बहुत शांत हो गए हैं, आपका मन काम और कूल हो गया है, अब आप इनके बारे में 24 घंटे नहीं सोच रहे हैं। कोई नया प्यार आया है आपकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियली स्टेबल कर रहा है, आपको पैसा भी है जिसके पास, और आप हो सकता है उससे प्रेग्नेंट भी हों। तो ये सब सोच रहे हैं रातों को, बहुत दिमाग इनका खराब हो रहा है। तो एक पर्सन ये सोच रहे हैं कि जैसे थर्ड पार्टी ने इन्हें काला जादू किया, ये जानते हैं थर्ड पार्टी ने इन्हें काला जादू किया, तो ये आपको खुश नहीं देखना चाह रहे हैं, आपको ऐसे देखना चाह रहे हैं कि आपको बेड़ियों में कैसे जकड़ें, कैसे काला जादू करें, क्या करें, जो आप ये जो इतने फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, कुछ
आपके पास पैसों की कमी नहीं है, अब धीरे धीरे आप पैसे कमा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। और थर्ड पार्टी तो अपना कर ही रही है काले जादू इन पर, ठीक है। तो ये आपकी अब ये एनर्जी है इनकी नज़रों में, जबकि आप अभी भी दुखी हैं इनके लिए, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत कूल काम पीसफुल हैं, अब आपको इनकी चिंता नहीं है, मूव ऑन कर लिया है। और हो सकता है आप उस बंदे से प्रेग्नेंट भी हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ दिमाग में इनके आ रहा है आपको खोने का, खोने की वजह से ये डर गए हैं, काला जादू करना चाहते हैं, आपको अपने वश में करना चाहते हैं, और दिमाग ख़राब हो रहा है इनका। वो सोच रहे हैं आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, नॉलेज गेन कर रही हैं, बहुत पीसफुल आपका माइंड हो गया है, अब आप इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, आपने मास्टरी हासिल कर ली है। ये कह रहे हैं कि हम ही हैं जो एक दूसरे के लिए हैं, हम ही पुराने जन्म के प्रेमी हैं और 7 जन्मों तक हम ही हैं, चाहे धोखा दे दिया इन्होंने थर्ड पार्टी के पास जाके, हमारा ही कंप्लीशन होगा जिंदगी में, हमारी जिंदगी अच्छी होगी, हम ही एक दूसरे के लिए हैं पूरक। गिल्ट में आ रहे हैं, गिल्ट में आ रहे हैं, इनकी जो सारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है। ये देखिए दिमाग ख़राब का इनका दो दो कार्ड आए हैं, दिमाग सड़ रहा है इनका बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही दुख में है, बहुत ही दुख में। इन्होंने अपने आप इमेजिन कर लिया है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इनको छोड़ दिया है, इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि वो तो थर्ड पार्टी में जाकर आपको धोखा दें और आपको जैसे चाहे ट्रीट करें, गंदा बुरा, पैसे दें ना दें, फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं रखते, बच्चों को भी नहीं देखते, जिनके बच्चे हैं उनको भी नहीं देखते, थर्ड पार्टी में जाके खुद खुश हैं और आपको भी बांध रखा है अपने साथ। अब उन्हें लग रहा है, रातों को उन्हें सपने आ रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि आपका थंडरबोल्ट हो गया है और आप मोरालिटी इंटीग्रेशन में चले गए हैं, मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हैं, अब आप उनकी लाइफ जी रहे हैं, जैसे वो बड़े खुश रहते थे, एडवेंचर में रहते थे, प्लेफुलनेस में रहते थे, अब वो गिल्ट में आ गए हैं कि काश मैं ये थर्ड पार्टी में जाता ही ना, तो मैं ये इतनी प्यारी लविंग केयरिंग एनर्जी वाली अपनी पर्सन को छोड़ता ही नहीं। तो उनके आगे, आँखों के आगे अब अंधेरा छा गया है, तो वो ये सब सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब आप उनके साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, मूव ऑन कर लिया है आपने, अब गिल्ट में है, वो गिल्ट की एनर्जी है उनकी, दिमाग फट रहा है उनका, उनकी जो एनर्जी है वो चुस रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब उनको आपको खोने का डर दिखाई दे रहा है, जेलस कर रहे हैं वो आपसे, हेट्रेड कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, थर्ड पार्टी में वो चले गए तो ये फीलिंग आ रही है। और ये सारे प्यार के पल वो याद कर रहे हैं आपके साथ, बड़े ही दुख के साथ मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी के बारे में वो रात को नहीं सोचते हैं, आया ही नहीं कुछ थर्ड पार्टी के लिए, वो देखिए कितना प्यार, क्या प्यार का पल सोच रहे हैं जो आपके साथ बिताए थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सोलमेट कनेक्शन सोच रहे हैं, ठीक है। और ये फाइनेंसेस एंड करियर का आया है आपके लिए, वो जान चुके हैं कि आप अब पैसों के लिए उनके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं आप में अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आप उनके पास नहीं आएंगे क्योंकि आप भी हर्मिट की एनर्जी में आ गए हैं और आपको सच झूठ का पता चल गया है और अब आपने उनका वेट करना छोड़ दिया है और मूव ऑन करना शुरू कर दिया है। और हो सकता है वेडिंग का कार्ड है और उन्हें ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया, वेडिंग कर ली उस बंदे से और प्रेग्नेंट भी हैं शायद आप, तो इनको ये लगता है। थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं आया बच्चों, थर्ड पार्टी के बारे में वो रात को बिल्कुल नहीं सोचते, जैसे सारा दिन सोचते होंगे, वो सोचवाती होगी, लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ आप ही आप आए हैं उनके जहन में, उनका दिमाग सड़ चुका है, अब वो आपको खोके जान चुके हैं कि आपने अब उनका इंतज़ार कर करके कि आप कब आओगे कब आओगे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हो सकता है आप सच में भी हो गए हैं या उनकी इमेजिनेशंस उन्हें डरा रही हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है, डर रहे हैं वो आपको खोने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये भी दिख रहा है कई लोग नहीं आगे बढ़े हैं, मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन इनको ऐसा डर लग रहा है रोज रात को कि आप लोग मूव ऑन हो गए हैं, तो अच्छी बात है,
डरेंगे तभी तो आएंगे जल्दी से आपके पास। इनकी एनर्जी सौरव की है बच्चों, गिल्ट की है, इनकी एनर्जी चुस रही है, बहुत एब्जॉर्ब हो रही है, आंखों के आगे काला जा काला 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 सब हो रहा है, अंधेरा छा रहा है, सौरों में है। देख रहे हैं आप जो आपको करा इन्होंने थर्ड पार्टी में जाके, जैसी फीलिंग इनसिक्योर बना दिया आपको, वही इनके साथ हो रहा है, वही इनके साथ हो रहा है बच्चों। तो अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या आई है। यस, कोई आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस, आज नहीं कभी पूछा हो आपने क्वेश्चन उसका आंसर यस है। बी असर्टिव, घुमा घुमा के बात मत करा कीजिए, सीधी सच्ची कम्युनिकेट क्लियरली, सीधी सच्ची बात किया कीजिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर आ रहा है आप लोगों के लिए, और सबसे अच्छी बात है मैंने निकाला था कि रात को सोते वक्त आपके और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, तो सबसे अच्छी बात आई है थर्ड पार्टी के लिए कुछ नहीं सोचते हैं वो, खाली नन, कोई फीलिंग नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं और पागल हुए जा रहे हैं आपके बारे में सोच के, इमेजिन करे जा रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया, प्रेग्नेंट हो गए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, पैसा बहुत आ गया, हाथ नहीं फैला रहे अब। हाँ, एक थर्ड पार्टी का ये जरूर आया, वो अपने काले जादू कर रही है आपके पर्सन पर, इन द नियर फ्यूचर वो करेगी, अगर नहीं कर रही तो काला जादू बहुत ज़्यादा करने वाली है वो आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन आपके पर्सन पे तो रोमांस का सुरूर, आपके रोमांस का सुरूर छाया हुआ है, आप ही आप छाए हुए हैं, रातों को तो छाए हुए हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जो लोग आपकी मदद करते हैं, दिल से चाहते हैं आपको, उनसे मदद मांगिए, ठीक है। अबेंडेंस, पैसा आ रहा है आपके पास। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके पास। देर इज समथिंग बेटर, कुछ चीज आप सोच रहे हैं उसका उल्टा सोचिए, कुछ और है उसका मतलब आप जो सोच रहे हैं जिस भंवर में हैं उससे अलग अलग होकर सोचिए, देर इज समथिंग बेटर। तो आपको करियर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, ये यूनिवर्स भी कह रहे हैं, तभी आएंगे आपके पर्सन। पीसफुल रेजोल्यूशन, सुख शांति आएगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रेयर अफर्मेशंस तो भेजनी ही पड़ेगी आपके पास। रिकंसिडर, दोबारा से सोचिए आप जो करने का सोच रहे हैं उसे रिकंसिडर करिए। यू आर रेडी, आप रेडी हैं किसी चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए तो रेडी हैं आप, तो टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स सबसे बेस्ट है, करवाइए और अपने पर्सन की हीलिंग करवाइए। अनलाइकली हो भी सकता है कुछ और नहीं भी हो सकता। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया है, मैं देख पा रही हूँ आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, कुछ कह रही है आपकी इंट्यूशन। यस, फिर से आ गया है आंसर यस, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, जो आप बीमार थे या कोई और जो आपके अपने हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर कुछ होने वाला है। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना होगा, आपको एक्शन लेना होगा किन्हीं बात के लिए। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी, आप एक्शन लेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो ये मैं आपको कह रही हूँ और खुले मुंह से, खुले दिल से कह रही हूँ बार बार। हीलिंग कराएं अपने पर्सन की और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और बटन, बेल बटन का बटन दबा दीजिए, लेट गो, जाने दीजिए उन बातों को जो आपको दुख देती हैं, जाने दीजिए, लेट गो। रिकवरी, नुकसान की भरपाई होके ही रहेगी मेरे बच्चों की। नो का आंसर आया है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स क्या आपको बता रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, देखिए जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन आप मिलेंगे तो फियरी तो कुछ होगा ही, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बोल्ड बनना है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए, ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आपको बस सरेंडर करना है डिवाइन को,
ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाला आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है, न्याय आपके साथ है। होल्ड योर विजन, अपने दिमाग के घोड़े कम दौड़ाइए, ऐसे जल्दी जल्दी मत दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े, शांति से कूल एंड काम रहिए। आप कूल एंड काम नहीं रहते, पॉजिटिव नहीं सोचते, यही बात का बस मेरे को गुस्सा आता है। नथिंग इज येट एट स्टोन, आपने अभी कुछ भी नहीं सोचा, ना हीलिंग का, ना सेल्फ इंडिपेंडेंस का, तो आपके लिए भी कुछ लिखा नहीं गया। बार बार यही रीडिंग में आ रहा है, तो यही बताया जा रहा है यूनिवर्स, डिवाइन गॉड्स और एंजल्स के थ्रू, कि आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा उनकी हीलिंग का, सेल्फ इंडिपेंडेंस का। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप बहुत जल्दी अपना लक्ष्य पाएंगे, बहुत पास हैं आप अपने लक्ष्य के। दैट एंड ऑफ टफ साइकिल बिगिन, कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के साथ खत्म हो रही है ये बताया जा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सेल्फ इंडिपेंडेंट और हीलिंग उनकी करवानी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, हीलिंग अपनी भी करवा सकते हैं आप, अगर बहुत ज़्यादा दुखी, बीमार, डिप्रेस्ड, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहते हैं, सैड रहते हैं, तो आपको अपनी भी हीलिंग करानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपके भी चक्रा इनएक्टिवेट है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप अपनी और अपने पर्सन की अगर हीलिंग कराएंगे दोनों की, तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी, डिस्काउंटेड चार्ज है। जब दो लोगों की हीलिंग कराएंगे तो डिस्काउंट में आपको चार्ज कर दूंगी, आप ही की खुशी के लिए, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जो है वही दिखाइए, दो दो मुखौटे मत ओढ़िए, मतलब कोई आपको, आपको लगता है कि कोई लीडरशिप क्वालिटी वाला आपके सामने आ गया तो आप अपनी बात नहीं कह पाते, शर्मा जाते हैं, चुप रहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपनी बात कहनी ही पड़ेगी बिना डरे। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, देखिए सेल्फ इंडिपेंडेंट का कार्ड आ गया है, अब मैं क्या बोलूँ अब आपको। आ टाइम फॉर हीलिंग, देखिए आपका भी हीलिंग और आपके पर्सन का भी हीलिंग का टाइम आ गया है, अब मैं क्या कहूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंस का कार्ड आ गया है, हीलिंग के कार्ड आ गए हैं दोनों के, आपके पर्सन का तो आ ही गया है। और अगर आप सैड और डिप्रेस और एंजाइटी में होते हैं, कुछ नहीं सोच पाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, तो आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, ये बता दूँ मैं आपको। जल्दी से अपनी और अपने पर्सन की हीलिंग कराइए, मैं डिस्काउंट दे दूँगी, ओके, दो लोगों का। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, देने का टाइम है अब, लेने का टाइम नहीं है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, घमंड मत कीजिए किसी बात पर। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, पानी पीजिए, वॉक पे जाइए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, देखिए एक्शन के कार्ड बहुत आ रहे हैं, आपको एक्शन लेना होगा, डरना नहीं है अब आपको। लक इज ऑन योर साइड, देखिए किस्मत आपकी तरफ दरवाजा खटखटा रही है आपको, कि मैं आ गई हूं अब तुम्हारी साइड, डिवाइन तुम्हारी साइड, यूनिवर्स तुम्हारी साइड, सब तुम्हारी साइड, बस तुम्हें एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और अपने पर्सन की हीलिंग करानी है। अपनी नहीं करा रहे तो अपने पर्सन की हीलिंग तो कराएं, कम्युनिकेशन इज की, बात करने से ही हल निकलेगा, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन कब तक आ जाते हैं आपके पास, प्लीज अच्छा सा कार्ड निकालिएगा यूनिवर्स, द मैजिशियन। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपने जिंदगी का जो वो है, अपनी जिंदगी का जो डोर है, अपने हाथ में लीजिए, दूसरों के हाथ में मत दीजिए। यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी है, इंट्यूशन पावर अच्छी है, तो आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप मैजिशियन की पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं एक और गाइडेंस, गाइडेंस देखते हैं अब हम सेल्फ केयर की, क्योंकि मेरे बच्चे आजकल लगता है अपना सेल्फ केयर करना भूल गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाइड्रेट, अभी मैंने बोला था ना पानी पीजिए, देखिए आ गया। गुरु माँ जानती है क्या कार्ड निकलेगा, क्या होगा, देखिए यूनिवर्स मुझे कितना ब्लेस करते हैं, कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं, जो मुझे कार्ड का भी पता चल जाता है क्या निकलने वाला है। क्लीन योर स्पेस, साफ कीजिए अपने घर को, जहाँ रहते हैं आप, ग्राउंड योर सेल्फ, मेडिटेट, देखिए ये भी मैंने अभी बोला था ना मेडिटेशन कीजिए, ये भी कार्ड निकलाया, आपके सामने ही निकालती हूँ मैं, देख लीजिए। गुरु माँ पर विश्वास तो रखिए, गुरु माँ सब जानती है। लुक फॉर फेरीज, तितलियाँ, पंख, डॉगी, बिल्ली, गाय आपके पास आके रुक जाएं, तो ये फेरीज के
निशान होते हैं, वैसे तितली और पंख फेदर्स आपको दिख रहे हैं तो ये निशान होते हैं, निशानियां होती हैं कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, एनिमल्स का काफ़ी आ रहा है, एनिमल्स को खाना दीजिए, गाय कुत्ता बिल्ली खाना दीजिए, फीड करिए चिड़िया को। कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, जब आप मेडिटेट करेंगे तो आपके पूर्वजों से भी आपका कनेक्शन होगा और वो आपको कोई राह जरूर दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। कनेक्ट विद योर वोम्ब, ये होता है माँ से जुड़ना, क्योंकि वोम्ब में माँ, हमारी माँ ने हमें अपने वोम्ब में रखकर, कोख में रखकर हमें पाला है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने पेट की नाभि की तरफ सोच के अपनी माँ को प्रणाम करके कनेक्ट होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक मेडिटेशन का प्रोसेस है। क्लियर योर एनर्जी फील्ड, सेज अगरबत्ती अपने ऊपर से वारिए, नज़र उतारिए, आपको नज़र लगी हुई है किन्हीं लोगों की, काले जादू कर रहे हैं लोग आप पे, काली नज़रें से देख रहे हैं तो आपको बीमार कर रहे हैं। अबेंडेंस प्लानिंग, पैसों की प्लानिंग कीजिए कि मेरे पास इतना करोड़ों रुपए आएगा, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। लिखिए, लिखने से ही आपके सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि हम सब पॉजिटिव सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास पैसा आ गया, करोड़ रुपए आए हमारे पास, अब हम कार लेंगे, अब हम लैम्बोर्गिनी लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, हम घर लेंगे, हम बैंकों में पैसा जमा कराएंगे, हम अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी करवाएंगे। तो ये सब अबेंडेंस प्लानिंग कीजिए, जो जो आपके सपने वो लिखिए और ये अपने आप को बताइए कि मेरे पास इतना रुपया है और आप लिख रहे हैं कि ये रुपया हम ऐसे ऐसे खर्च करेंगे। जर्नल देखिए, लिखने का काफ़ी आ रहा है, लिखिए मन में जो भी चीज़ है, लिखिए 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 लिखिए। एरोमा थेरेपी, खुशबुओं में रहिए, परफ्यूम लगाइए, डिओड्रेंट लगाइए, अच्छी अच्छी अगरबत्तियाँ लगाइए अपने आसपास, तो आपको बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा। एनर्जी वर्क, सातों चक्रा हीलिंग आया है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। तो प्यार के तो मैसेज रह गए आप लोगों के लिए, जो आप रोज बोलते हैं, प्यार के मैसेज बोल देते हैं आपके लिए। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू कंप्लीट मी, इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टुगेदर, यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट टू गो, वी कांट इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, यू लव मी लाइक नो अदर, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके, द वे यू वॉक टॉक स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट स्मेल्स माई हार्ट, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, यू हैव टॉट मी वट लव इज ऑल अबाउट, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू कंप्लीट मी, ठीक है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, वो आपके साथ बुढ़ापे तक जीना चाहते हैं आपके साथ खुशी में, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए, होप आपको अच्छी लगी हो, कमेंट डाउन बिलो, और कोई वीडियो बनवाना हो तो वो भी कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको कोई पेमेंट या पेमेंट वगैरह का पता करना हो तो मेरा वीडियो के ऊपर व्हाट्सएप नंबर होता है, व्हाट्सएप मैसेज किया कीजिए, कॉल मत किया कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज में तुरंत जवाब देती हूँ। पर्सनल रीडिंग कराइए, मैंने चार्जेस कम कर दिए हैं, बुकिंग कराइए, और अगर उस टाइम मैं फ्री होंगी तो मैं आपकी रीडिंग उसी टाइम कर दूंगी। ब्लैक मैजिक के उपाय मैं बताती हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखा कीजिए, गाइडेंस मिलेगी, पूरा देखा कीजिए, आगे मत बढ़ाया कीजिए वरना कोई पॉइंट आपसे रह जाएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए, और जो 9,500 मेरे व्यूअर्स होने वाले हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे, वो सेकंड चैनल एंजल सोल टैरो ANGELSOULTAROT इस चैनल पे जाकर क्लिक कर दीजिए, यही सेटअप है। कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस भी देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, मैं आपको ब्लेसिंग दूंगी इन रिटर्न कि आप बहुत खुश रहें, आपको प्यार मिले, पैसा मिले, स्वास्थ्य मिले, महामारी से बचाव हो, आपकी अपने सेफ हों, आप सेफ हों, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। देखिए मैंने इन रिटर्न आपको इतना आशीर्वाद दे दिया, तो आप अब सेकंड चैनल को भी ग्रो करवाइए मेरे एंजल सोल टैरो। थैंक यू, पर्सनल हीलिंग मैं करती हूँ, सातों चक्र एक्टिवेट करती हूँ आपके और आपके पर्सन के लिए, और मैंने दो लोगों के लिए, आपके और आपके पर्सन के लिए डिस्काउंटेड रेट का चार्ज कर दिया है। अगर आपको दोनों के लिए करवानी हो तो मैंने पैसे कम कर दिए हैं, ठीक है। और
पर्सनल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, आप मुझसे बात करके अपना दिल हल्का कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन भी मैं करती हूँ, सलाह मशवरा भी मैं करती हूँ, आपको किसी फैसले तक पहुँचाती हूँ, आप अगर कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो आप मुझसे सलाह मशवरा करके उस फैसले तक पहुँच सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करती हूँ, यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो आपका पर्सन दोबारा से इस थर्ड पार्टी के चंगुल में, इस थर्ड पार्टी के काले जादू में घुस जाएगा, फंस जाएगा, तो आप खुद ही देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कीजिए, घर से ही करेंगे, सोशल वर्क भी हो जाएगा, लोगों की हीलिंग कर लेंगे और सब कुछ कर देंगे, आप पर्सनल रीडिंग करा करेंगे तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, यूट्यूब चैनल भी खोल लेंगे तो यूट्यूब से भी इनकम आएगी। आप समझिए बात को, समझते ही नहीं हैं आप। ठीक है, आप लोग अपना प्यार नहीं दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, तो मैं कहती हूँ पॉजिटिव ही सोचिए और पॉजिटिव लोगों के सराउंडेड रहिए, मंत्रा चांटिंग करिए, हीलिंग करवाइए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर ने सब कुछ आपके लिए अच्छा लिखा है। आई लव यू ऑल, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो के खत्म होते ही एंजल सोल टैरो पे लग जाके लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन को दबा दीजिएगा और कैंडल वैक्स रीडिंग के वीडियोस भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, आई लव यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।